ठीक है दादा, ब्रिटानिया दर्शाना न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव जीरो बिस्किट से एक्चुअल नए नए ये प्योर अभी नए नए शायद एक दो दिन पहले आपकी क्या ये आप टीवी में देख रहे होगे एड जो बिस्किट का है। आज हम लाए उसका रिव्यू जो रहता है इसका बिस्किट, इसका हम वही लाए जो टीवी में दिखाया था एड में दिखा है, हम भी वही लाएंगे। इस बिस्किट है गैस, ये बता देता हूँ, इसमें ये मिलता है टोटल 0% ऑफ शुगर, 0% ऑफ मैदा। यार गाइस इसमें मैदा नहीं है, कितना जबरदस्त मैदा नहीं है गाइस इस बिस्किट में, पूरा मैदा ही नहीं है। और आपको मिलता है प्योर हाई फाइबर और ये प्योर वेज बिस्किट है गाइस। ठीक है, इसका ग्राम वेट है ना थोड़ा ज़्यादा, 100 grams ऑफ वेट है गाइस इसके। इसकी प्राइसिंग है 35 rupees। ठीक है गाइस, 35 rupees की प्राइसिंग है। ये बनता है उत्तराखंड में। ठीक है गाइस, अभी जान लेते हैं इसके न्यूट्रिशन कंटेंट्स। इसमें आपको मिलता है एनर्जी 479 grams, प्रोटीन मिला आपको इसमें 6.8, टोटल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको इसमें 68, शुगर मिलेगा जीरो शुगर मिलता है आपको, तो पहले तो लिखे हुआ तो जीरो शुगर है। ठीक है, आपको मिलता है टोटल फैट मिला आपको इसमें 21। अभी जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट। आपको मिलता है वीट फ्लावर यानी कि आटा, वीट फ्लावर यानी कि आटा मिलता है आपको, रिफाइंड पाम ऑयल मिलता है आपको इसमें, वीट ब्रान मिलता है आपको इसमें, रेजिन एजेंट्स मिलता है आपको, मिल्क सॉलिड्स मिलता है, आयोडीन सॉल्ट मिलेगा। और मेन कंटेंट है बिस्किट का बनाने का है वीट मिल्क बार्ले एंड सल्फेट्स, बार्ले तो इसमें बार्ले डाले होंगे इसमें, पर इसमें बार्ले तो कहीं बार्ले डाले नहीं है, पर मेन कंटेंट है क्या इसमें वीट मिल्क बार्ले एंड सल्फेट्स है। ठीक है, अब इसको खोले थे अंदर से, कह देते हैं अंदर से बिस्किट एकदम पूरा टाइट पैकेजिंग कैसे। ठीक है, ज्यादा ही टाइट पैकेजिंग हो गई कैसे यार, बहुत अरे यार खुलिया ज्यादा ही टाइट हो गया कैसे। मुझे कैसे देखिए अंदर से दिखता हमारे अंदर बिस्किट। इसमें आपको टोटल पीस मिलता है आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीस, यानी कि 3 rupees का 1 biscuit है। ठीक है, तो अभी एक ले लेते हैं, इसको रखते हैं साइड पर। इसमें वो जो क्या स्मेल आता है ना, पहले तो मैं फर्स्ट आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं बिस्किट। इसमें एक्चुअली लिखे हैं, पता नहीं चल रहा है, थोड़ा अलग अलग है इसका क्या। फर्स्ट अब इसको स्मेल ले लेते हैं, फिर बता इसका टेस्ट कैसा गाइस। इसके आपको एक तो फ्लेवर आएगा वो वीट का नहीं गाइस, ओट्स का जो फ्लेवर आता है ना वैसा इसका स्मेल आ रहा है मुझे। अब इसको फर्स्ट एक कंपेयर मार लेते हैं लुक्स में। ओके, इसका पैकेट इधर से फट गया है, ज्यादातर इसमें क्या लिखे हुए, ओके यहाँ लिखे हुए थे न्यूट्री चॉइस और ऊपर ब्रिटानिया लिखे हुए थे इसके ऊपर और डाइजेस्टिव लिखे हुए थे, यानी कि इधर मिडल में न्यूट्री चॉइस था, ऊपर डाइजेस्टिव था। ऊपर के यार क्या है ना गैस, ठीक है डाइजेस्टिव, नीचे भी डाइजेस्टिव थी गैस, हम तो अभी टेस्ट करेंगे गैस। ठीक है, फर्स्ट इसको तोड़ लेते हैं अंदर से, क्या देखते हैं बिस्किट थोड़ा पाउडर हो गया अंदर से। वो क्या कि छोटे छोटे दाने दिखते हैं आपको, ऐसे नट्स के दाने दिखते हैं ना वैसे हैं वो, पता नहीं क्या है, फिर भी आप थोड़ा से ट्राई कर लेते हैं। शायद इसको शायद ओट्स के पीस होंगे इसमें, अब इसको बार ले डाले होंगे इसके अंदर, वो रहेगा शायद। ठीक है, अब इसको खा के देख लेते हैं। एक आपको फर्स्ट फ्लेवर रहेगा इसका, वो जो आटा का फ्लेवर आता है ना वो ज़्यादातर आता है इसमें, आटा का फ्लेवर है। और इसमें ऐसे मेंशन नहीं है कि वो कौन सा आटा यूज़ किए, बस आटा यूज़ किया, हमको पता नहीं वो कौन सा आटा, वो आता है। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा बाद में वो बार्ले का फ्लेवर और थोड़ा सा ओट्स का फ्लेवर आने लग जाता है, पता नहीं कैसे ओट्स का फ्लेवर थोड़ा बार्ले का वो आने लग जाता है, पर इसमें ओट्स नहीं है।
पता नहीं, वो थोड़ा अलग फ्लेवर शायद उसमें, पर ज़्यादातर मुझे वैसे उसका फ्लेवर अलग। खाने में तो ज़बरदस्त है गाइस, खाने में तो ज़बरदस्त है। पहले तो इसमें शुगर नहीं डालते ना मैदा यूज़ करते, जो एकदम हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है गाइस ये, ठीक है। ज़्यादा शुगर नहीं डालते ना मैदा खाते हैं इसके साथ, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, इसके साथ शुरू करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट। जब पता है ना, कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट विद बिस्किट्स। तो फ्रेंड्स अभी शुरू करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट। इधर से लेता हूँ बिस्किट, इधर से लेते हैं एक ग्लास में पानी। इसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं पानी में डाल के, 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड के लिए, कि थोड़ा सा हार्ड बिस्किट है गाइस, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। गाइस तो टूटने पर है, टूट गया गाइस, ठीक है। अभी इसे इतने पार्ट ले लेते क्योंकि ये भी डूबा जाता पानी में, सॉफ्ट हो गए जाते हैं। ज़्यादा आपको कुछ डिफरेंस आएगा नहीं, जब नॉर्मल लोगे वैसे ही फ्लेवर आएगा। पानी में लेते ज़्यादा वैसे ही फ्लेवर रहता है, कुछ ऐसा इधर कोई डिफरेंस नहीं आया जो नॉर्मल खाने पर आया था। क्योंकि पहले तो एक शुगर रहता ना, वो टेस्ट को थोड़ा बैलेंस करने के लिए रहता है, पर इसमें शुगर नहीं है। ज़्यादातर उसका फ्लेवर क्या बता सकते हैं गाइस, उसको पानी में लेते तो भी ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है। नॉर्मल है तो भी वो क्या लाइट सा कुछ तो एक फ्लेवर आता ना वैसा इसका, नॉर्मल कहे तो। पर पानी में जाते नॉर्मल खाते सब सेम लगता है गाइस, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने टेस्ट किया था ब्रिटानिक तरसाना न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव जीरो बिस्किट, एकदम मस्त है खाने में। ये कोई कितने भी एज जने खा सकते हैं इसको, क्योंकि ये इतना फर्स्ट तो हाई फाइबर रहता है। इसको जिसको शुगर बिस्किट नहीं चाहिए वो ये ले सकते हैं, जिसको मैदा नहीं खाना, मुझे मैदा बिस्किट बिल्कुल नहीं खाता है वो भी खा सकते हैं। जिसको शुगर और मैदा किसको नहीं चाहिए दोनों, ये बिस्किट उनके लिए ज़बरदस्त है। मैं रिकमेंड करता हूँ इसको, जाइए नज़दीकी शॉपिंग मॉल में, ये आपको मिल जाएंगे। ये पैक मिलेंगे थोड़े बड़े मिलेंगे या फिर ये फुल फैमिली पैक मिलेंगे कैसे भी, पर जो ऐड में दिखाया था ना हम भी वही लाएंगे, ठीक है। आज का रिव्यू तो हमारा ऐसा, ठीक है। हमें बोलते हैं स्कूल जा जाते बच्चों को ना, हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं, दो दे सकते हैं स्कूल जा जाते बच्चों को, आराम से खा सकते हैं, ठीक है। और जो मनाया भी बिस्किट का रिव्यू आ जाएगा मॉर्निंग शॉप पे, टकला यूट्यूब पे देखे जाना, एवरी डे आता थी गाइस। सो हमें वीडियो को जितना चाहे शेयर कीजिए, हमारे चैनल बिस्किट बुक सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे न्यू चैनल सब्सक्राइब करके जाना हमारे चैनल को। हमें वीडियो को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स के लिए, पहले भी आप कर देते इस बार भी कर देना गाइस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग फ्रॉम बिस्किट बॉक्स।